जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर अभी आप वर्तमान में अपने इस जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा। आप अक्सर ये प्रश्न मुझे बार बार दोहराते हैं, बार बार पूछते हैं कि पंडित जी, हमारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है। दूसरी बात होती है कि किस्मत में अगर अच्छा लिखा है तो वो हमें कैसे मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि किस्मत में तो अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है, आज तक तो हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। तो दरअसल ये पूरी जो थ्योरी है, जो पूरा जो हमारे साथ जो हो रहा है किस्मत से रिलेटेड चीज़ें, उन सभी पर आज इस 3 मिनट की वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे। और उसको जानने के बाद आपके जीवन में आप एक बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। और उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े। कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और इसके साथ साथ ही अगर कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। दरअसल किस्मत और मेहनत दो एक सिक्के के पहलू हैं। हम किस्मत पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि ऐसा हो जाए, वो हो जाए। दो पहलू हैं। पहली और मुख्य बात है, गीता के में लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन दूसरा मुख्यतः बात यह है कि हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं पर फल उस अनुसार हमें नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे जो एक मनोवैज्ञानिक कारण है हम पर, वो दबाव, सफल होने का दबाव। सफल होने के दबाव में हम कभी भी अच्छा काम नहीं हो कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग ये वो कह सकते हैं कि सफल होने के दबाव में तभी तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। एक सही और एक सच्चे आदमी के लिए तो सफलता मिलने ही है, सफल तो होना ही है। पर सफलता का जो दबाव है वो हमको कहीं ज़्यादा पीछे धकेलता है। इसलिए सबसे पहले और गुरु मंत्र याद रखना, सफलता का कभी भी हमारे ऊपर दबाव न रखें। सफल आप ज़रूर होंगे लेकिन सफलता का दबाव हमें नहीं रखना है। दूसरी बात है कि किस्मत में जो लिखा होता है वो हमें बेशक मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर उसके साथ साथ ही उसे और बेहतर करने के लिए अपने गुरु मंत्र का जाप करना आप कंटिन्यू शुरू कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर कोई गुरु मंत्र है तो उनका जाप करें, नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ईश्वर के जप और स्मरण करने से खराब किस्मत को भी आप बेहतर कर सकते हैं, और उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मकता है, वो घटेगी ज़रूर लेकिन उसके परिणाम बहुत हल्के होंगे, कम, जो हम सहन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस्मत जो है बहादुरों का साथ देती है, हिम्मत वालों का साथ देती है, सकारात्मक सोच वालों का साथ देती है। तो आप सकारात्मक हैं, अच्छे आदमी हैं, सरल आदमी हैं, तो आपका किस्मत ज़रूर ज़रूर आज नहीं तो कल साथ देगी। ओम नमः शिवाय।